नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य टीवी न्यूज। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला से वर्चुअल माध्यम द्वारा आयोजित गोरखा कल्याण बोर्ड की 15वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज के हर वर्ग का कल्याण और संवेदनशील एवं वंचितों के उत्थान पर विशेष बल देना प्रदेश सरकार का मुख्य ध्येय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखा समुदाय क्षेत्र की सीमाओं की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। उन्होंने कहा कि युद्धों और विभिन्न अभियानों के दौरान उनकी बहादुरी के किस्से युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग की पहचान के लिए हिमाचल प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश का कल्याण और विकास तभी संभव है जब समाज के हर वर्ग का कल्याण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि गोरखा समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में शामिल किया गया है ताकि सरकारी सेवाओं में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके। गठन के बाद जो है वो सारे इस बोर्ड के माध्यम से हमारी इस कम्युनिटी के जितने भी इश्यूज हैं वो सारे एक जगह आकर के हम चर्चा करें, क्योंकि बिखरे हुए लोग हैं, थोड़ी थोड़ी संख्या में सब जगह हैं और इसलिए आपस में किसी की समस्या है यहाँ। हालांकि हिमाचल प्रदेश में ऐसी स्थिति नहीं है, कोई भी आदमी मुख्यमंत्री को मंत्री को सीधे मिलकर के अपनी बात कहने की स्थिति में रहता है। दूसरे प्रदेशों की स्थिति से हमारे प्रदेश की स्थिति बहुत अलग है। दूसरे प्रदेश में प्रमुख लोग, बड़े लोग भी जो है वो मुख्यमंत्री या मंत्रियों के पास पहुंचने की स्थिति में नहीं हो पाते, लेकिन हिमाचल प्रदेश में जहां भी हम जाते हैं हर कम्युनिटी के लोग मिलते हैं। और जब धर्मशाला आते हैं खासतौर से, धर्मशाला में हमको गोरखा कम्युनिटी के लोगों के साथ मिलने का सौभाग्य लगभग हर बार होता है। बहुत सारे लोग आप में से सक्रिय सहयोगी के नाते हमारे साथ में काम में हमको दिखते। सत्य टीवी न्यूज़ के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट।